कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बहुत दिनों बाद एक ब्लॉग लेकर आ गई हूँ और आज है गणेश चतुर्थी, तो मैंने सोचा आज के दिन से अच्छा दिन क्या हो सकता है फिर से ब्लॉग स्टार्ट करने का। तो मैं फिर से ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। यहाँ नितान्या चीनी खाने में बिजी है और अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैंने अभी घर का काम भी नहीं करा है तो अभी मैं घर का काम करूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, चारों तरफ गाने गाने बज रहे हैं और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आई होंगी हर कॉलोनी में, हर जगह जगह, तो हर मंदिर के आसपास। तो मैं जाऊँगी आज देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। हमारे यहीं जस्ट जो कॉलोनी है उसमें गणपति जी जो हैं वो विराजमान करते हैं, तो हम वहां भी जाएंगे आज दर्शन करने के लिए। तो आज गणेश चतुर्थी, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं दिखा देती हूँ, बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा हो रहा है और रात में बारिश भी हुई है, तो चलो दिखाते हैं। देखिए ये मेरी बालकनी से ये नीम है, इस नीम पे मतलब चिड़ियों की आवाज आती ही रहती है, चहचाती रहती है, कौवे चिड़िया सब बैठते हैं ना इसलिए। और यहाँ पीछे ये है ग्राउंड जिसमें लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। सैटरडे है, कल संडे होगा, संडे को जो ये छोटे मोटे ये जो होते रहते हैं ना इनको इनाम देते हैं कोई खेल होता है, तो फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलते हैं लोग यहाँ पे आके। और ये छोटा सा मेरा गमला है, इसके अंदर मैंने एक छोटा सा मनी प्लांट लगाया है और गंवार पाठा लगाया है। तो देखो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, सूरज देखो चांद के जैसे लग रहा है, निकल ही नहीं रहा, आज बादल छाए हुए हैं इसी वजह से। हाँ जी, तो अभी मैं सबसे पहले कर लेती हूँ अपने घर का काम, उसके बाद आपसे मिलती हूँ और फिर बाद में हम जाएंगे गणपति जी के दर्शन करने के लिए। शाम को जाएंगे, जब लोग इजी आ जाएंगे तब मैं नितान्या पहले ही देख के आ जाएंगे कि वो कब लेके आए हैं। तो इतना ज़्यादा तो पता नहीं है ना इस त्यौहार के बारे में, पिछली बार तो मैंने भी गणेश जी स्थापित किए थे अपने घर पे, तो इस बार हम पूजा करेंगे घर पे भी और बाहर जो है गणपति बप्पा के दर्शन करने जाएंगे, नितान्या को दिखा के लाएंगे। आज तो रात को हम गए थे एक बर्थडे पार्टी में, तो मुझे पहले नहीं पता था कि यहाँ नरेशी मीणा आने वाली है, राजेश्वरी मैम आने वाली है, तो वहाँ गए तब दोनों ही आए हुए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम सब ने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई दोनों के ही साथ, और नरेशी मीणा को तो आप सब जानते ही होंगे, फ़ोटो देख के तो हर कोई पहचान जाता है, नाम भी सब जानते हैं क्योंकि अभी जो फ़िलहाल KBC में आई थी जिन्होंने 50 लाख रुपये की राशि जीती है, तो उन्हीं से हम सब मिले, फ़ोटो वीडियो हमने क्लिक करवाए उनके साथ। तो अपने मीणा समाज की तरफ पहली कैंडिडेट नरेशी मीणा ही है, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। वो चेन्नई आई है फिलहाल उनका इलाज करवाने के लिए। तो पार्टी में हमें काफ़ी मज़ा आया, इन्जॉय किया हमने, खाना वाना खाया, खूब सारे लोग थे। तो आप देखिए वीडियो, आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आप जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लोग थे, बच्चे थे, लेडीज़ थी और सारे आदमी थे। और नरेशी मीणा जी, राजेश्वरी जो मैम है, दोनों ने भाषण भी दिए थे, तो आप सुनिएगा उनके भाषण, पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। वेंकटेश राव SSC अरे मैं तो कौन भर दूं, अरे सुनो सबसे पहले मैं छोटू लाल जी की मिसेज से निवेदन करूंगा कि वो माला डाल के बहन का स्वागत करे। लाइट फोटो लेना भाई, फोटो बैठ, ताली बजा समाज की एक लड़की इस तरह के काम करती है ना, समाज की हजारों लड़कियों को राह मिलती है, उनका हौसला बढ़ता है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जहाँ पहुँचे ना हमारे लिए सपना था। और ये भी हमारे लिए किसी की बात है कि आज ये चेन्नई में आए हैं, नहीं तो हमको बहुत दिन सोचना पड़ता था हम इनसे मिलेंगे, हम जाएंगे, तो ये आज चेन्नई में आ गए, बहुत अच्छी बात है। और ये पहले बात हो कि ये यहाँ इनके थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए आए, भगवान से हम दुआ करते हैं कि इनका ट्रीटमेंट सफल हो और सफल हो के वापस स्वस्थ होके घर जाए। तरफ से ये कहना चाहेंगे, कोई भी मदद हो, किसी भी चीज़ की जरूरत हो, आप किसी भी आदमी को पकड़ के कह देना कि मुझे ये जरूरत है,
ये पूरा परिवार आपके पीछे खड़ा हुआ है, आपके साथ है। भगवान आपको लंबी उम्र दे, पूरे विधिमत परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। भगवान आपको जल्दी स्वस्थ करे और दीर्घायु। दक्षिण भारतीय मीना समाज की तरफ से चेन्नई में हार्दिक स्वागत करती हूँ और बड़े हर्ष की बात है और हमारे समाज के लिए एक ये गौरवान्वित पल है कि आप केबीसी में पहुँचे और 1 करोड़ का जो प्रश्न है उस तक आप पहुँचे और 50 लाख की राशि आपने विजयी प्राप्त की। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस मुकाम पर पहुँचे हैं वो मतलब कि आप एक आइडियल है, शायद आप पहले पर्सन है हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए, आप एक आइडियल बने हो और मैं उम्मीद करती हूँ, महिला हूँ तो महिला के लिए बड़ी खुशी की बात होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी जो बच्चियाँ हैं उनके लिए आइडियल बनोगे और हमारी बच्चियाँ भी इस मुकाम पर पहुँचेंगी और आपको आदर्श मानकर पढ़ाई का महत्व समझेंगी। ले यार तो कहीं से आ जाएगा पब्लिक के साथ यार। राजकुमार सामने आ गया यार, छाया थैंक यू।